तो गाइज हमारा जो कैमरा अभी शूट कर रहा है वो एक निश्चित समय के बाद खराब हो जाएगा। मैंने जो घड़ी पहन रखी है वो भी एक निश्चित समय के बाद खराब हो जाएगी, और इधर जो ये मोबाइल फोन है वो भी निश्चित समय के बाद बिल्कुल खराब हो जाएगा। और गाइज जो हमारे नॉर्मल जीवन के अंदर हम यूज लेते हैं गैस, पेट्रोल और डीजल, उनके ऊपर हमने कभी भी एक्सपायरी डेट लिखी हुई नहीं देखी, और हमें कभी भी ये पता नहीं रहता कि पेट्रोल डीजल और गैस के ऊपर एक्सपायरी डेट क्या है। तो भाई मार्केट से हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो उसके ऊपर एक्सपायरी डेट देख के खरीदते हैं और तभी उस चीज को खाते हैं, लेकिन यार जब हम पेट्रोल पंप के ऊपर जाते हैं तो पेट्रोल की और डीजल की और गैस की कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होती, और साथ ही साथ हम लोग क्या करते हैं उस पेट्रोल को अपने टैंक के अंदर भरा लेते हैं, और उस पेट्रोल को कुछ एक दिन के, कुछ एक महीने के अंदर, या हो सकता है यार गैस को कुछ एक साल के अंदर खत्म कर दे। तो हमारे पास क्या है, डीजल, पेट्रोल और यहाँ पर है बहुत मजबूत लोहे की टंकी जिसके अंदर भरा है खूब सारा गैस। तो गाइस यार ये जो तीनों जो चीजें हैं इनके ऊपर एक्सपायरी डेट नहीं लिखी हुई होती है, यानी कि यहाँ पर जो डीजल है इसके ऊपर एक्सपायर नहीं लिखा हुआ है कि ये एक्सपायर कब होगी, और यहाँ पर है मेरे पास पेट्रोल और यहाँ पर है गैस की टंकी जिसके अंदर एलपीजी गैस जो है वो भरी हुई है, लेकिन इसके ऊपर भी एक्सपायरी डेट नहीं लिखी हुई है। तो यार दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग यही टेस्ट करेंगे कि अगर इन तीनों चीजों को हम जमीन के अंदर दफन कर देंगे वो भी 6 मंथ के लिए, और उसके बाद में 6 महीने बाद हम लोग इनको बाहर निकालेंगे, तो इनकी जो क्वालिटी है क्या इसी प्रकार की रहेगी या फिर काफी डिफरेंट आएगा। यहां पर मेरे पास है पेट्रोल पूरे 15 लीटर जिसको मैंने आज ही पेट्रोल पंप से भरवाया है, और भरवाते वक्त मैंने पेट्रोल पंप का जो कर्मचारी उसे पूछा कि भाई इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। और भाई यहाँ पर देखो मेरे पास है बिल्कुल मजबूत लोहे की टंकी, और इस टंकी के अंदर भरा है 14 लीटर एलपीजी गैस, और मुझे भी नहीं पता क्या इस गैस की जो है ना कितनी ज़्यादा लंबी एक्सपायरी डेट है, क्या हम 1 साल 2 साल 5 साल या 10 साल बाद भी इस टंकी को यूज कर पाएंगे या भाई नहीं, लेकिन यार वो टाइम लंबा हो जाएगा, इसीलिए हमने 6 महीने का एक शॉर्ट टाइम रखा है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो गाइस यार यहाँ पर मेरे पास भी यहाँ पर डीजल है, और इसके ऊपर भी रूल बिल्कुल पेट्रोल वाला ही लागू होता है, यानी कि इसके ऊपर भी कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं है। जब हम लोगों ने पेट्रोल पंप वाले से पूछा इसकी एक्सपायरी क्या है तो उसके पास कोई भी वर्ड नहीं था। तो यार दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर एक खड्डा खोद लिया है, और इस खड्डे के अंदर हम ये तीनों के तीनों जो ये चीज़ें हैं पेट्रोल, डीजल और गैस, इसको अंदर दफन कर देंगे, और उसके बाद में 6 महीनों के बाद में इसको निकालेंगे तो इनकी क्या कंडीशन रहेगी, क्या डीजल उड़ेगा, इसका जो वजन है वो कम होगा, या फिर इसकी जो क्वालिटी है वो कम होगी, या पेट्रोल की कम होगी, आप लोगों को क्या लग रहा है। तो फटाफट से इन तीनों की तीनों चीज़ों को इसके अंदर दफन कर देते हैं। तो गाइस यार उन तीनों के तीनों चीज़ों को हम दफन करने से पहले हम यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारी ऑडियंस है जो कि इस वीडियो को देख रही है, लेकिन सबसे पहले इनसे भी हम लोग ऑफ टैग पूछ लेते हैं कि इन चीज़ों का होगा क्या 6 महीने बाद। ये डीजल है, पेट्रोल है, गैस है, पेट्रोल है, गैस है, हाँ, इनका क्या होगा 6 महीने बाद? इसका घासलेट बन जाएगा, घासलेट। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। अच्छा मिट्टी का तेल, हाँ मिट्टी का तेल बन जाएगा। किसका, डीजल और पेट्रोल का? नहीं डीजल का बन जाएगा। अच्छा डीजल का मिट्टी का तेल बन जाएगा, हाँ। और ये जो पेट्रोल है इसका, इसका ही मेरा कलर खत्म हो जाएगा। अच्छा कलर चेंज हो जाएगा, और हाँ। ये जो गैस है इसका खराब हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा। तो गाइस यार इनका मानना है कि जो ये पेट्रोल और डीजल है ये भी काफी खराब हो जाएंगे, और जो डीजल है ये मिट्टी का तेल बन जाएगा, और जो पेट्रोल है इसकी जो गुणवत्ता है वो खत्म हो जाएगी, और जो गैस है वो भी खराब हो जाएगा। तो इधर हमारे भैया हैं, इनसे पूछ लेते हैं कि पेट्रोल डीजल का क्या होगा? इसका कलर चेंज हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, अभी जो कलर है वैसा नहीं निकलेगा, वैसा नहीं निकलेगा। अच्छा तो इनका मानना है कि जब ज्यादा दिन तक पड़े रहेंगे तो इनके कलर में फर्क आएगा। तो भाई दो लोगों के मत आ चुके हैं, एक हमारे भैया और खड़े हैं। तो भैया हमारे पास गैस है, डीजल है, पेट्रोल है, ठीक है, 6 महीने के लिए जमीन के अंदर डालेंगे, क्लाइमेट भी चेंज होगा, सब कुछ होगा, सर्दियां भी आएगी, तो बताओ निकालने के बाद में इसका होगा क्या? पेट्रोल और डीजल की गुणवत्ता में कमी आ जाएगी, ठीक है, इससे गाड़ियों की इंजन खराब होने की समस्या रह सकती है। हाँ हाँ, और गैस का? गैस का कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, नहीं होगा, एजिटी रहेगी, बिल्कुल एजिटी। और हम निकालने के बाद में ये टेस्ट करेंगे अपनी बाइक के अंदर डालकर, अपनी गाड़ी के अंदर डालकर, और चूल्हा जलाकर, गैस या चूल्हा जलाएंगे, पेट्रोल को बाइक में अंदर डालेंगे और डीजल को गाड़ी के अंदर डालेंगे, ठीक है, चलेगी गाड़ी?
गाड़ी चलेगी लेकिन इतनी कारगर नहीं रहेगी जितना आज की कंडीशन में डीजल और भाई साहब। भैया बढ़िया कंफ्यूजन में है, तो भाई आप लोग भी अगर कंफ्यूजन में हो ना तो एक बार कमेंट ठोक दो कि यार पेट्रोल डीजल और गैस का होगा क्या। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, और अब काम करते हैं जमीन के अंदर दफनाने। और एक बात और, आपकी राय क्या है इन तीनों की तीनों चीजों का आखिरकार होगा क्या आफ्टर 6 मंथ, फटाफट से कमेंट कर दो। तो भाई सबसे पहले जो है ना, मैं जमीन के अंदर इस बड़ी सारी मजबूत लोहे की टंकी को दफन करूंगा और इसके अंदर एलपीजी भरी हुई बिल्कुल 15 kg नेट वेट, ठीक है। और उसके बाद में देखेंगे भाई जो हमारी एलपीजी है वो चलती है या फिर नहीं, खराब होती है फिर नहीं। और साथ ही साथ एक और एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, हमारे घर के अंदर काम लेने वाली ये जो टंकी होती है ना वो कितनी मजबूत होती है 6 महीने के दफन होने के बाद भी। तो मैं क्या करता हूँ, आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पर सील पैक है, हमने इसको सील भी नहीं हटाई है, ठीक है। तो मैं इस साइड से टंकी को अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। ये मेरी गई टंकी अंदर और जमीन के पूरी अंदर है भाई, पूरी यहाँ तक 2 फीट अंदर है। तो गाइस टंकी गैस वाली अंदर जा चुकी है और अब मेरे पास है यहाँ पर पेट्रोल। पेट्रोल जो है बिल्कुल आज का है, तरोताजा है। और आप इसका सबसे पहले तो गौर से कलर देखिए गाइस, कितना शानदार ये कलर दिख रहा है। और जब ये जमीन के अंदर जाएगा तो गाइज क्या इसका कलर चेंज होगा, जब इसके ऊपर धूप लगेगी जमीन के अंदर जो नमी और गर्मी होगी उसकी वजह से क्या इसका कलर चेंज होगा। और हाँ एक चीज, एक मजेदार जो एक्सपेरिमेंट है वो ये है कि जब 6 महीने बाद हम इसको बाहर निकालेंगे तो हमारी बाइक्स के अंदर बिल्कुल डालकर उसको चला कर देखेंगे कि वो पावर करता है या फिर नहीं, बाइक स्टार्ट होती है या चलती है या नहीं। तो ये 2-3 एक्सपेरिमेंट होने वाले हैं, इसका कलर, इसका पावर और इसकी एक क्वांटिटी, क्या ये हवा में उड़ जाएगा गर्मी की वजह से भाप बन के, क्या होगा। अभी तो ये 15 लीटर है, तो शिवराज हाँ इसको भी जो है डाल दे। ये गया। तो गाइस यार गैस और जो पेट्रोल है वो इस खड्डे के अंदर जा चुके हैं और अब मेरे पास में यहाँ पर है डीजल और इसकी क्वांटिटी है 15 लीटर। और आज 6 महीने पहले आप लोग इसका जो कलर है, गौर से इसका जो कलर है वो देख लो और कहाँ तक आ रहा है वो भी आप लोग यहाँ पर देख लो। और इसको जब हम लोग बाहर निकालेंगे 6 महीने बाद तब इसका जो कलर है वो किस प्रकार का रहेगा, क्या इसके कलर के अंदर फीकापन आएगा या फिर नहीं, और इसकी जो क्वालिटी है वो भी हम लोग टेस्ट करेंगे 6 महीने के बाद में। ये जो डीजल है इसको गाड़ी के अंदर डालेंगे और उसके बाद में गाड़ी चलाएंगे, क्या गाड़ी चलेगी या फिर नहीं। तो मैं इस डीजल को भी इस खड्डे के अंदर डाल देता हूँ। कर दे जमींदोज, कर दे इसको भी। तो गाइस फाइनली डीजल, पेट्रोल और जो गैस है वो जमींदोज हो चुके हैं और हम लोग निकल जाएंगे अब बाहर। चलो चलो चलो। तो भाई अभी जहां हम जिस जगह पे बैठे हैं वहां पर गैस, पेट्रोल और डीजल है और आज से लगभग और फिक्स 6 महीने बाद ही हम इस जगह पे आएंगे और गैस, पेट्रोल और डीजल को देखेंगे कि भाई वो किस हालत में है और वो कितनी कंडीशन में या कितनी खराब कंडीशन के अंदर मिलते हैं। तो गाइस उन सभी को निकाल कर हम अलग अलग टेस्ट करेंगे, गैस से चूल्हा जलाएंगे, पेट्रोल से बाइक चलाएंगे और डीजल से गाड़ी चलाएंगे। और अब तो यहाँ पर सिर्फ ये लड्डू बन रहे हैं। तो गाइस यार हम मिलते हैं 6 महीनों बाद इसी गैस की टंकी के साथ, पेट्रोल के साथ और डीजल के साथ। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। लड्डू खा लो।